छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबा सा कई थारो करियो में कसूर इतरा दीना तो मानी लाड लड़ाया अब क्यों करो सा माने मात्र 11 साल की उम्र में खुद से 25-30 साल बड़े आदमी से फूलन देवी की शादी हुई थी। 1979 में एक डकैत गैंग ने उनके घर से फूलन देवी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद प्रताड़ना, कष्ट, बलात्कार, घृणा और नरसंहार का ऐसा सिलसिला रहा कि फूलन देवी का नाम हर भारतवासी की जुबान पर आ गया। एक बार फूलन देवी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, हमने भी सोचा कि इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा, क्यों मर जाएं, किस लिए मर जाएं? फूलन देवी लोगों की नजर में पहली बार तब आई जब उनके गैंग ने उनके ऊपर हुए बलात्कार का बदला लेने के लिए कानपुर के नजदीक बेहमई गाँव को घेर लिया। वहां उन्हें वो लोग तो नहीं मिले जिन्होंने फूलन पर जुल्म ढाए थे, लेकिन उन्होंने गांव के 21 राजपूत लोगों को जमा कर गोली से उड़ा दिया। भोगनीपुर कलेक्ट्रेट में चपरासी के तौर पर काम कर रहे जंतर सिंह भी उन लोगों में से एक थे जिन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वो बच निकले थे। 36 साल बाद भी उन्हें वो घटना अभी तक याद है। इन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और लूटपाट भी शुरू की। जो मिलते गए उनको पकड़ के एक जगह पर बैठाते गए एक कुएं पर। इसके बाद जो है सबको इकट्ठा करके और बोले कि आप लोग जो है ये बताइए कि लालाराम गैंग को कौन खाना देता है। कोई नहीं बताए, बोले आप लोगों को कोई पता होगा साहब, बोले हम तो पता कर ही लेंगे और हम आते हैं तो पुलिस से मुखबिरी करते हैं आप लोग। तो उन्होंने बोले सब लोग बैठ जाओ, फिर बोले सब लोग खड़े हो जाओ, फिर बोले बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, ऐसे दो दो बार कहा। उसके बाद जो है एकदम से इन्होंने बटाफट बटाफट फाइट शुरू कर दिया सबके ऊपर। 7-8 फीट दूरी चला रहे ज्यादा से ज्यादा, गोली जमीन में धस जाती तो नीचे धूल इतनी बंदूक वगैरह धुआं खून के फुब्बारे, उसमें इनको देख नहीं रहा था कि कितने जिंदा कितने मरे हैं। तो ये एक दो मिनट के लिए रुके, तीन लोग उसमें खड़े थे वहां पे। हमने देखा कि ये लोग चले गए जयकारे करते हुए नारे लगाते हुए, हम कह सब चले गए। मैंने आँख खोल दी तो आँख खोलने पे हमारी आँख उसकी आँख मिल गई थी। मान सिंह खड़ा था, फोसा खड़ा था, एक और खड़ा, तीन उनसे आँख मिल गई। बोल देख वो लड़का भी जिंदा है। बोले साले अभी बताते, हमने साले धोखा किया तुमने, आके जो है सीने पे रख के फायर कर दिया 315 बोर की बंदूक। जंतर सिंह को उनकी चाची बैलगाड़ी पर लादकर अस्पताल ले गई थी। ये उनका सौभाग्य था कि सीने में गोली लगने के बावजूद वो ये कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता मयूरा जनवालकर बेहमई गांव गई थी जहां वो इस हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिली थी। जगरानी देवी करके एक महिला है जिनके पति इसमें मारे गए थे, वो आज शायद 65 के करीब उनकी उम्र है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फूलन को आते हुए देखा था, वो जय माँ काली कह रही थी और उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था अपने कंधे पे, और जो घरों में जो बर्तन और अनाज जो भी था सारा लूट रहे थे और वो ऐसे कपड़े की बोरी में भर रहे थे उसको। और जब ये हादसा हुआ उसके 8 दिन बाद गांव में किसी के घर पे खाना नहीं बना। जो आसपास के गांव थे वहां से लोग खाना लाकर दे रहे थे बच्चों के लिए। और इसमें एक और राजा राम सिंह थे जो बच गए थे क्योंकि वो अपने घर के छत पे छुपे हुए थे, कोई उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन जहां बावड़ी के पास लोगों को मारा गया वो उन्हें वहां का नजारा दिख रहा था। और आज वहां पे स्मारक बना है जिसमें सारे 20 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें वो स्मारक जो है उस पे लिखा गया है कि ये निहत्ते निर्दोष कर्मवीर ग्रामजनों का डाकुओं द्वारा नरसंहार स्थल है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने फूलन को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एक बार पुलिस ने फूलन को घिलोली गांव में घेर लिया था। उस ऑपरेशन में भाग लेने वाले उस समय झांसी रेंज के DIG और बाद में CBI के निदेशक पद से रिटायर हुए SK दत्ता ने
बीबीसी को बताया। खबर आया कि फूलन आ गई तो वहाँ हमारे दुड़लाल पहुँच गए, फिर एसपी पहुँच गए। भयंकर एनकाउंटर हुआ दिन में, कई उन्होंने मर गया, पर फूलन का नहीं मिला। जब नहीं मिला तो दुड़लाल वॉज वेरी श्योर दैट फूलन वॉज देयर। उसका नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस वॉज सो स्ट्रांग। तो फिर हम लोग जब पहुंच गए और वहां से पहुंच गया आगरा से, वो हमारे वीपी सिंगल, वो थे एडिशनल आईजी एंटी डेकॉटी ऑपरेशंस। कानपुर से डीआईजी आए गए, हम भी झांसी से पहुंच गए, एसपी सब आए गए। तो तब तक शाम हो गया, तो ये तय हुआ कि रात भर घेरे रखूँ। रात भर घेरे रखा, सब जीप लाइट ऑन कर दिया ताकि दिख जाए, और गांव वालों को बताया कि एक एक करके आप इधर आ जाइए, तो ताकि गांव खाली हो जाए। पर सब आ गए, सबको चेकिंग किया ताकि फूलन ना निकल जाए। एक बुढ़ी औरत रह गए अंदर और खारी खारी ये जिला रही थी, हाय अल्लाह। हम लोग समझ नहीं आई ये क्यों नहीं आई, और वो सबने कहा राजी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे सुबह जब गए तो फूलन का कोई निशाना नहीं मिला, तो वी कॉल्ड ऑफ ऑपरेशन। बाद में मालूम पड़ा कि फूलन वॉज वेरी मच देयर, वो वहीं थी एक डिच के नीचे, और जिसको पर भूसा रखा हुआ था। और मजेदार बात है, विक्रम सिंह भूसा में बैठे हुए थे जो कि बाद में डीजी यूपी बन गए थे। तो हाय अल्लाह जो है ये कोर्ट था, ये टू अलर्ट फूलन देवी एंड मान सिंह, उनका जो कंपेनियन था, कि मत निकल आओ, अभी भी पुलिस है। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से संपर्क किया, जो जमाने में हमीरपुर के एसपी हुआ करते थे और फूलन के खिलाफ इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। पहले कांड के बाद घेराबंदी बनी, ये लोग सब वहीं कैंप करते थे। वो आज का जमाना नहीं था कि आज आप पाला छू के वापस, जब तक आप गिरोह को नेस्तनाबूद न कर दे आप वहीं कैंप करते थे। पेड़ के नीचे रहिए, स्लीपिंग बैग लीजिए, कुएं से और तालाब से पानी पीजिए, लेकिन रहिए वहीं जब तक कि मुठभेड़ होकर के आप इस पार या उस पार न कर लें। बहरहाल मुखबिरी अच्छी थी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे, वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए। मुठभेड़ शुरू हुई, रामायण सिंह हमारे उनको गोली लगी, एसओ कोतवाली जालौन थे। लेकिन मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि फूलन देवी ने बहुत जल्दी बहुत कुछ फील्ड क्राफ्ट सीख लिया था। बावजूद इस अच्छी मुठभेड़ के, पूरी घेराबंदी के, फूलन देवी भागने में सफल हुई। लेकिन उसमें ये कामयाबी जरूर मिली कि फूलन देवी समझ गए कि ये आखिरी मुठभेड़ है, अगली मुठभेड़ में वो बचेंगी नहीं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि बीपी सिंघल मरहूम, वो खुद लाउडेडर लेके बैठते थे और खुद कमान करते थे। वो खुद कहते थे इधर से विक्रम सिंह तुम आगे बढ़ो, वाजपेयी तुम इधर से, सारा फोर्स घेराबंदी करे। आरआई हमीरपुर की जिम्मेदारी है श्रीवास्तव, तुम पूरी और सब्जी लेके, क्योंकि मुठभेड़ चलेगी 10 घंटे, फोर्स भूखा नहीं रहेगा। फूलन के भी बड़े अच्छे मुखबिर थे, उसको मालूम पड़ गया पुलिस मूवमेंट से ये कच्चा पना हो गया था कि एक दो एसओज ने शायद लाइट जला करके गांव में गए, वो कि बड़ा अननेचुरल था उस दौर में कि पुलिस की गाड़ियां लाइट जला करके आ गई। लाइट जला के वो समझ गए कि कोई किसी की घेराबंदी हो रही। वो एक रास्ते से खेत खेत पकड़ करते हुए बीहड़ पार करके बीहड़ में पहुंच गए। फूलन को पकड़ पाने में असफल रहने पर मध्य प्रदेश सरकार ने बीड़ा उठाया कि फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी दी गई भिंड जिले में एंटी डकोयती ऑपरेशन के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को। चतुर्वेदी बहुत बड़ा जोखिम उठाते हुए पहले मोटरसाइकिल पर और फिर करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फूलन से मिलने चंबल के बीहड़ों में खोड़न नाम की जगह पर पहुंचे। वो उनके और उनके गैंग के साथ 12 घंटे रहे, लेकिन चलते समय फूलन देवी ने एक पेच फंसा दिया। राजेंद्र चतुर्वेदी याद करते हैं, बोली कि हम कैसे जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं, ऐसे आप एक काम कीजिए, मैं जब वापस चला जाऊंगा तो साथ में किसी को भेज दीजिएगा, हम उसको मुख्यमंत्री से ही खुद मिलाएंगे। तो बोला ठीक है जी, फिर इनको ले जाइए, ये हमारे बहुत ट्रस्टेड आदमी हैं। दिन भर बात करते रहे, राइट फ्रॉम मॉर्निंग करीबन 6-7 बजे से लेके दोपहर, खाना वाना उसने बनाया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी तो हम चले वहां से करीबन शाम को, और करीबन 2 बजे रात को हम पहुंचे भिंड। ये भी मेरे साथ में था, 4:30 बजे सुबह हमने सीएम को फोन किया, केवल इतना ही बोला। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ खबर देंगे, हमने बोला सर टू डाउन डन, टू डाउन कोड वर्ड थी। तो बोले अच्छा ठीक है, तो आई सेड सर मैं आई एम थिंकिंग ऑफ कैचिंग द मॉर्निंग फ्लाइट ग्वालियर से, फ्लाइट चलती है वहाँ 6 बजे। फ्लाइट में इंडियन एयरलाइंस के मैनेजर को भी बोला कि हम लोग बैठेंगे अकेले बिल्कुल, तो बिजनेस क्लास में बैठा दिया। और फिर दिल्ली पहुंचे तो फिर टैक्सी में बैठ करके हम मध्य प्रदेश भवन पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो मुंह हाथ धो करके विदाउट शेविंग वेविंग कुछ नहीं, इन बिटवीन हम ये बात बताना भूल गए कि उसकी फोटो हमने ले ली थी इंस्टामेटिक कैमरा से और निकॉन कैमरा से, गैंग की उसकी
और उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर दी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक अंगूठी दी थी जिसमें एक पत्थर हकीक था। तो बोला ये माँ को जरूर पहुंचा देना। आई सेड बिल्कुल। तो जब वहां पहुंचा और जैसा मेरा अनाउंसमेंट हुआ, बोला आइए चतुर्वेदी जी। तो ही वॉज हैविंग ऑरेंज जूस इन अ सिल्वर ग्लास। तो हमने उनको इंस्टामेटिक कैमरा की फोटो दिखाई और वो आदमी को हमने बोला इनकी रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ आए हैं, मेरे कमरे में हैं, बुलाइए बुलाइए ना। तो ही ऑल्सो केम एंड ही टच द सीएम्स फीट। सीएम के सामने बोला तो तुमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मिल लिए? बोला हाँ हाँ। इसके बाद फूलन के दूत को वापस दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचाया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह राजेंद्र चतुर्वेदी को लेकर दिल्ली गए। सीधे उन्होंने फोन किया राजीव गांधी जी को कि हम आ गए हैं, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया करीबन 12 o'clock, वी रीच्ड 1 Safdarjung रोड और उनसे मिले। ही सेज वंडरफुल। मेरे कंधे फटफटाए तो अंदर ले गए। मैडम से मुलाकात की, शी वॉज वेयरिंग हर ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, पिंक कलर फ्रेम। तो देखी हम लोग, मैं तो सावधान हो गया। अर्जुन सिंह जी बोले दिस इज राजेंद्र चतुर्वेदी, माय सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ भिंड, ही हैज ब्रॉट समथिंग फॉर यू। तो जहाँ फोटो उन्होंने देखी, She said, not very good looking. हम चुपचाप रहे। सीएम के सामने क्या बोलेंगे, good looking, not good looking. She said, all right, you have my blessings, do go ahead. इस बीच उनकी फूलन देवी से कई बार मुलाकात हुई। फूलन में विश्वास पैदा करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी को उनसे मिलाने ले गए। एक बार हमारी वाइफ को हम ले गए थे गांव, तो वहां उसको हमारी वाइफ ने एक शॉल दिया और लिपस्टिक थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह सब उसके लिए दिया। और जब आपकी वाइफ गई, ये एक सॉफ्ट टच देने के लिए, एक विश्वास के लिए, क्या उसका पर्पस क्या था उनको ले जाने का? उनको ले जाने का पर्पस ये था कि देखो, हम तो तुमको ट्रस्ट करते ही हैं, तुम हमको ट्रस्ट करती हो कि नहीं। शी वॉज वेरी हैप्पी कि एक IPS अफसर की वाइफ हमसे मिलने आई है। तो वो वुमन टू वुमन था ये बेसिकली। आखिर 12 फरवरी 1983 का दिन आया जब फूलन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम लोग ने जगह चूज की थी, उसका नाम था इंगुई डाक बंगला। तो इंगुई डाक बंगले में जब हम लोग रुके रात में, तो वहां से गाड़ियों का इंतजाम किया था कि उसको ले जाएंगे भिंड। तो रास्ते में खूब फायर करते करते गए वो उल्लास से। वो जैसे स्टेज पर पहुंची, अर्जुन सिंह जी वाज स्टैंडिंग फेसिंग द क्राउड। गांधी जी की फोटो रखी गई थी, तो सबसे पहले आए वो, गांधी जी की फोटो में हाथ से छुई, उसके बाद अपना हथियार ऊपर उठाया, पूरे क्राउड को दिखाया और हथियार ऊपर लेकर उठा करके फिर घूमी और अर्जुन सिंह के पैर पर हथियार रखा। इसके बाद फूलन देवी 11 साल तक जेल में रही, पहले ग्वालियर और फिर तिहाड़ में। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1996 और 1999 में वो मिर्जापुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 25 जुलाई 2001 को बहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए उनके घर के सामने शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या कर दी। फूलन के पति उमेद सिंह याद करते हैं। हमारे जो सामाजिक संगठन था एकलव्य सेना, उसकी प्रदेश अध्यक्ष थी एक लड़की उत्तराखंड की। उसने कहा कि बहन जी हमारे यहाँ एक मीटिंग कर दो आप। वो जो लड़का था जो मर्डर करने वाला, वो भी रुड़की का ही था। तो उसने उससे संपर्क बनाया और उसका वो एक किस्म का ड्राइवर टाइप बन गया उस लड़की, उस लेडीज का। वो उसके साथ वो घर में घुसना शुरू कर दिया उसने। जिस दिन वो मर्डर हुआ उस दिन वो उसके साथ आया हुआ था वो, और नागपंचमी का दिन था। उसने उसको जो ना अपने हाथ से खीर भी बना खिलाई थी फूलन देवी ने। और वो वहाँ से खीर वीर खिला करके 11 बजे करीब पार्लियामेंट निकल गई। गाड़ी हमारी उस टाइम गई हुई थी वर्कशॉप, उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी उसकी, उसी लड़के की। वो अपनी गाड़ी में उसको पार्लियामेंट छोड़ के आए। बस वो अंदर गई है तो उन्होंने ये कहा भी वापिस आएगी ये। वो उन्होंने अपनी जो भी बाहर बैठ के प्लानिंग जो बनानी थी बनाते रहे और गाड़ी ला करके बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। दरवाजे के बगल में राजनाथ सिंह का घर, हमारा घर बिल्कुल बगल बगल था। और जैसे ही वो आई पार्लियामेंट से, दूसरे की गाड़ी में आई थी, गाड़ी अंदर गई नहीं, गेट पे उतरी, वहीं उन्होंने गोली मार दी थी। रेहान पटेल, BBC दिल्ली।